पीपल समण संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं श्रवण देवी जयपुर राजस्थान से, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं लगभग 6-7 महीने से इस मुहिम में लगी हुई हूँ जुड़ने और जोड़ने की। समण संघ में कोई सदस्य नहीं बनाया जाता, जो समण संघ में पैदा हो गया वो हमेशा के लिए समण संघ का सदस्य हो जाता। इसमें ना कोई संदा लेता है, ना कोई देता है, ना कोई रसीद काटता है। समण संघ के सभी सदस्य बराबर होते हैं, सभी लोग नीचे बैठे तो नीचे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी के पैसे शेयर कर लिए जाते हैं। समण संघ में जब फिजिकल मीटिंग होती है तो उसमें समण संघ के सभी सदस्य 4 पराठे अचार व 2 पराठे एक्स्ट्रा लाते हैं और एक साथ मिल बैठ के हम सब खाते हैं। संघ में ना कोई राजनीति करता, ना कोई मुखिया या प्रधान होता है। अगर कोई राजनीति में जाना चाहे तो संघ छोड़ के जा सकता है, लेकिन संघ नहीं जाता। हमारा नेता संविधान है। एक सिंपल सा काम है, जोड़ना है, जुड़ना है, जीतना है। जो ज्यादा काम करता है उसको स्पोक्स बना दिया जाता है। संघ के सभी फैसले सभी सदस्यों के सहमति से होते हैं। एक सिंपल सा काम है, जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन हम शिक्षित तो बन गए लेकिन संगठित नहीं हुए, क्योंकि कैसा भी काम हो बिना इकट्ठा हुए, बिना संख्या बल के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे किसानों का ताजा उदाहरण है, वह शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, सभी संगठन संघ में आए और एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया और जीत के अपना अधिकार वापस ले लिया। जैसे 2 अप्रैल का भी ताजा उदाहरण है, सभी संगठन संघ में आए, इसमें ना कोई नेता या प्रधान भी नहीं था, सभी संगठन संघ में आने से जीत गए और हमने अपना अधिकार बचा लिया। इसलिए हमें संघ में रहना बहुत जरूरी है। हम 70 सालों से हम संघ में नहीं आए क्योंकि 29 लाख संगठन में से 4 लाख एक्टिव संगठन है। अगर ये संगठन एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हमारा जीतना ही जरूरी है। और हम 6,743 जातियों में बटे हुए हैं, इसमें जातिवाद मुख्य कारण है। हमें जोड़ना है, जुड़ना है, जीतना है, संघ में आना। जैसे मधुमक्खियां भी संघ में रहती हैं, उनको कोई एक पत्थर मारे तो सभी संघ में आके हमला कर देती हैं। पहले हमारे पूर्वज भी संघ में, यहाँ हमारे पूर्वजों का ही यह एक संघ है, पूर्वज भी हमारे पहले संघ में रहते थे। वैसे ही जानवरों से भी सीख लेनी चाहिए। जैसे जंगल में भैंसों का झुंड अकेले शेर का शिकार करता है तो झुंड भैंसों का झुंड शेर को हरा देता है। इसलिए हमें संघ में रहना, इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है। जैसे सिख मुस्लिम भी संघ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई मुसीबत आती है तो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही एक बच्चा रोता है जब तो माँ उसे गोदी में उठा लेती है तो वो सुरक्षित महसूस करता है। तो लेकिन हम बुद्धिजीवी नहीं समझते कि हम संघ में आए, इकट्ठे हो जाए। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो ऐसे पिटते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, अत्याचार होते रहेंगे। जैसे 5-6 भाई इकट्ठे रहते हैं, उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़े संघर्ष के बाद इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ, तो अगर तुम आगे नहीं बढ़ाओ तो पीछे भी नहीं जाने देना। लेकिन हमने 70-72 सालों में कुछ नहीं किया। अभी भी समय है बाबा साहब के द्वारा बताए गए एकमात्र ऑर्गेनाइज होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, जुड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, जीतने के लिए। इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। नौकरियां, जैसे नौकरियां भी जा रही हैं, निजीकरण होता जा रहा है, कोई भी संगठन आवाज नहीं उठा रहा है। आने वाली पीढ़ी फिर से गुलामी की तरफ चली जाएगी। अभी भी समय है, हमारे समण भाई बहनों इकट्ठे हो जाओ अपने बच्चों व आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। एकमात्र यही समाधान है। इकट्ठा होने के लिए पहले हमें परिवारों को जोड़ना है, गली मोहल्लों को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है। हमें चैन से चैन बना के रखनी है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। हम ऐसा करेंगे तभी जीतेंगे, तभी संविधान को बचा पाएंगे और संविधान हमें बचाएगा। इसलिए हमें जितना जल्दी जुड़ेंगे, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। हमें जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जो जुड़ेगा वो ही जीतेगा। जय संविधान, जय भारत।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।